नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, सलमान खान ने पहली बार सुशांत सिंह राजपूत केस में तोड़ी चुप्पी। बताया सुशांत सिंह राजपूत को किसने और कैसे ख़त्म किया। जी हां, आपको बता दें, अब सभी की निगाहें बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटी पर टिकी हुई थी। सभी को विश्वास था कि बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी सलमान खान खुद सामने आकर सुशांत सिंह राजपूत केस की अगर सच्चाई बता देंगे तो सुशांत का केस सुलझ जाएगा। अब ऐसे में सलमान खान ने भी सामने आकर के एक बड़ा बयान दिया है, तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूं कि सलमान खान ने क्या बयान दिया है। जी हां, आपको बता दें, सलमान खान का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ सच में ही बहुत गलत हुआ और जिन भी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया, ऐसा लगता है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से कोई बड़ी ही खतरनाक दुश्मनी निकाली है और इसी वजह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की जान ले ली। सलमान खान ने दावा किया है कि उनको भी लगातार धमकियां मिल रही हैं और उनको भी सुशांत की तरह मारने की कोशिश की जा रही है। सलमान खान ने कहा है कि जरूर बॉलीवुड वाले नहीं है, लेकिन इनका बॉलीवुड से जरूर कोई ना कोई नाता है, कोई ना कोई बड़ी दुश्मनी है, इसी वजह से ये लोग बॉलीवुड वालों से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। सलमान खान ने कहा है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया, ठीक वैसे ही सलमान को भी मारने की कोशिश की जा रही है और इसकी वजह से सलमान खान ने अभी हाल ही में एक प्राइवेट गन भी लिया है। इतना ही नहीं, सलमान खान ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है क्योंकि सलमान खान को डर लग रहा है कि कहीं सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही उनको भी खत्म ना कर दिया जाए। देखना यह होगा कि सलमान खान की सुरक्षा क्या सुशांत सिंह राजपूत की तरह खत्म होने से सलमान खान को बचा पाएगी या फिर सलमान के साथ भी वैसा ही कांड होगा जैसा सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।